शनिवार को राया में 3 छात्र लुटेरों ने बीएसएफ के जवान की पत्नी को झांसा देकर एटीएम से 25,000 रुपए की नकदी निकाल ली। हम आपको बता दें कि राया थाना क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम पर बीएसएफ के जवान की पत्नी एटीएम से पैसे निकालने पहुंची। इसी दौरान छात्र लुटेरे वहां खड़े रहे, जिन्होंने मदद करने के बहाने बीएसएफ के जवान की पत्नी का एटीएम बदल लिया। जब वो वहां से चली गई, तब 25,000 रुपए की नकदी निकालकर वहां से चंपत हो लिए। ये सारी घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गयी, जिसके आधार पर छात्र लुटेरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इस संदर्भ में बीएसएफ के जवान की पत्नी नीरू ने घटना के बारे में जानकारी दी। नीरू, क्या घटना घटी है? ये बैलेंस निकला, कैसे निकला आपके खाते से? पहले तो उसमें मेरे से, मैंने उसमें कार्ड डाला जी, फिर क्या रहता है उसमें से पैसे, फिर मैंने पैसे नंबर डाला, फिर उसमें बोला कि इसमें बैलेंस नहीं है, उसने बटन दबा दिया था दूसरा वाला, तो बोला कि इसमें पैसे नहीं है, तुम पल्ली तरफ देख लो, पल्ली एटीएम में बड़ोदरा वाले में। तो फिर उसके बाद उसी ने पैसे निकाल लिए। कितने लोग थे वो? 3 लोग थे। 3 लोग थे। ये घटना किस जगह की है? ये पंजाब नेशनल की। पंजाब नेशनल कौन सी जगह पड़ता है ये? कौन से वाले रोड? सादवाद वाले। अच्छा, फिर पता कैसे चला तुम्हें कि पैसे निकल गए तुम्हारे एटीएम से? जो उसमें सीसीटीवी कैमरा है ना। नहीं, जैसे जानकारी कैसे हुई, किन का फोन आया कि पैसे निकल गए बैलेंस? हमारे हस्बैंड ने दी थी। आपने पैसे निकाले थे? मैंने बोला कि यूज तो किया था पर उसमें से पैसे नहीं निकले। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? बीएसएफ में। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? बोले कि इसमें से पैसे निकल चुके हैं 25,000 रुपये। अच्छा। नहीं, मैंने तो एक रुपये भी नहीं निकाला है। और क्या कहता है, क्या उन लोगों को आपने कभी पहले देखा है? नहीं, कभी नहीं देखा है मैंने। तो घटना में सीसीटीवी मिले थे आपको? सीसीटीवी में किस? हाँ, वो मिले थे। पुलिस में तहरीर दे दी आप लोगों ने? हाँ, दे दी। क्या कह रही है पुलिस? कार्रवाई का आश्वासन दिया। ठीक है। ये तीनों से राब जो लग रहा है ना, एक ही है तीनों से। हाँ, एक ले रहा हूँ, देखना अभी क्या करता है। फोन करें आप किसी को? दोनों ने एक और जो पहले वाला भी लड़का था ना, वो भी है। अरे, दो चार होते हैं, एक दो ज्यादा होते हैं।